गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजेंट नन्नू 89 का चैनल जिसका 89 गायब हो गया है। और आज मैं बड़ा ही खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद मुझे पुत्तन की नाराज़गी की वजह समझ में आई। पुत्तन जी ने बोला कि वो मेरे बर्थडे में इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको इनविटेशन नहीं मिला। और कहीं ना कहीं ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ कि पुत्तन परी मेरे बर्थडे पर बिना इन्विटेशन के कैसे आती और वो नाराज़ होकर चली गई थी। तो मैंने पुत्तन परी को मनाने का पूरा इंतज़ाम किया है। देखिए, मैंने पूरा इनविटेशन छपवा दिया है, ये मैंने बहुत प्यार से बहुत सोच समझ के छपवाया है। उम्मीद तो यही है फ्रेंड्स कि पुत्तन परी इस इनविटेशन को देख के रिजेक्ट ना कर पाए, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पुत्तन को लेने। मेरी पुत्तन परी सज के बैठी होगी, मेरे श्रृंगार करके बैठी होगी मेरे नाम का। चलो फिर चलते हैं पुत्तन परी के पास। और आप लोग जरूर फ्रेंड्स मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि पुत्तन परी इस बार मान जाए और मेरे साथ आ जाए। चलिए चलते हैं पुत्तन जी के पास। पुत्तन, मेरी पुत्तन, फिश खाऊं, पॉम पॉम खाऊं, क्यूटीज, पॉम पॉम। पुत्तन नन्नू, मैंने इनविटेशन नहीं दिया तो कैसे आ गए तुम? मैं आपको मनाने आया हूँ पुत्तन परी। मैं नाराज हूँ आपसे, आपने अपने बर्थडे में मुझे इनवाइट नहीं किया। मैं नहीं आपसे बात करती, जाइए। पुतन चलिए ना, देखिए मैं आपके लिए इनविटेशन लेके आया हूँ। देखिए, इस बार आपका आपका दिल पिघल ही जाना है, घर चलने का इनविटेशन। पुतन जी, इनविटेशन टू कम, ये देखिए फ्रेंड्स, इन ननु जी ने क्या किया है, बड़ा प्यार है। ननु जी कितना प्यार करते हैं, आप देखिए, इनविटेशन टू कम होम, और ढेर सारे उन्होंने हर्ट दिए हैं, ये अपने चैनल पर देती है वो। फ्रॉम एजेंट नन्नू 89 के क्रॉस क्यों मारा है आपने, गायब करवा दिया ना? ओ हाँ, एजेंट नन्नू का 89 गायब हो गया। माता जी ने भी साइन किया है। गिंडामल हलवाई कौन नन्नू जी? जो हमारी शादी में जिन्होंने पूड़ियां छानी थी। अच्छा अच्छा, हाँ वो मोटू कोबरा सारा उसका खाना खा गया। हाँ, उन्होंने भी कहा आ जाओ अब तो। हाँ, तो गिंडामल हलवाई जी ने भी साइन करके दिया है। पास पड़ोसी से भी अपने सारे साइन करा के लिए हैं। हाँ, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। गाय, भैंस, मछलियाँ सबसे आपने साइन कराया ननु जी, वो भी मिस कर रही है। नदियाँ, तालाब ने कैसे साइन किए ननु जी? कर दिया, अब आप मना नहीं कर सकती आप। नहीं, आपने हमारे जो पास में डॉगी रहता है, आपने उसका साइन नहीं लिया। पास पड़ोस में वो आ गया ना। ननु जी बहुत स्मार्ट है। हाँ। तो ननु जी देखिए, आखिर फाइनली हमको मना ही लिए, चलेंगे ना? हाँ हम चलेंगे। ये क्या लेके बैठे हैं आप, ये सब ये क्या है? अरे हाँ, आजकल मुझे फ्रूट्स खाने का पता नहीं क्यों बहुत शौक चढ़ रहा है। तो ले चलिएगा यहीं से, मैंने तो अभी खरीदा नहीं। फिर हाँ, बैग में तैयार करके पहले से बैठी थी। आप भी जाने के चक्कर में थी क्या? हाँ, मैं यहाँ बोर हो रही थी। चलो फिर वहाँ पे चल के कपल एक्टिविटी करेंगे। कितने दिनों से कपल एक्टिविटी, आपके कपल एक्टिविटी बहुत मिस करते हैं ननू जी। चलो फिर, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जिंदगी पुत्तन की। और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। नन्नू जी कल आए थे तो वो मुझे मना करके ले गए। उन्होंने बहुत प्यारा सा इन्विटेशन कार्ड छपवाया था, मैं आपको शेयर कर दूँगी इन्विटेशन कार्ड। तो वो आए और सबका उन्होंने साइन लेकर के आए कि सब लोग ससुराल से मुझे बुला रहे हैं, माता जी, कैटरिंग वाले, गाय, भैंस, मछलियाँ, सब लोग मुझे बुला रहे हैं। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो जब इतने प्यार से लोग मुझे बुला रहे हैं, उन लोगों ने बहुत सारा हर्ट भी दिया था मुझे, तो मैंने देखा कि भाई लोग मुझे इतना प्यार करते तो क्यों ना ससुराल चले जाए, क्योंकि माके में तो मुझे कोई प्यार करता नहीं है। आपने देखा ये है, मम्मी जी उधर भागी रहती हैं, दीदी उधर भागी रहती है, बत्ती को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ससुराल में इतना प्यार जब मिल रहा है तो मैं चली आई। तो ये देखिए, जब मैं यहाँ आई तो देखा सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। माता जी बाहर घूम रही हैं, किचन में कोई भी आ रहा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले माता जी को वापस संदूक के पीछे लगा दिया। अब माता जी ठीक से अच्छे से हैं। और फिर मैंने देखा किचन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी उठ के दूध पी ले रहा है, कोई भी फ्रूट्स खा ले रहा है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी किचन में आ जाए। तो मैंने क्या किया कि देखिए, मैंने यहाँ पे किचन के सामने मंजे डाल के मैं बैठ गई हूँ और मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, क्यूटीज। तो
ये देखिए मैं किचन के सामने मंजे डाल के बैठी हूँ। अब मैं किचन पे से बराबर नज़र रखती हूँ, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितना दूध पी रहा है, तो सब अब नज़र रखती हूँ। तो ये देखिए नन्नू जी भी यहीं पे बैठे हैं। नन्नू जी हेलो हेलो। देखिए नन्नू जी यहीं पे बैठे हैं। नन्नू जी खुश नहीं है मेरे इस अरेंजमेंट से। नन्नू जी आप बताइए क्यों खुश हाँ, नहीं ये है? मंजे हमको, पुतन जी आपको पता है कि मुझे ये मंजे यहाँ पसंद नहीं आते। आपको क्यों नन्नू पता जी? है, फिर आपने हम पे बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं किया ना। मतलब आपकी दीदू जैसे घर थोड़ी ना है कि मतलब कोई भी आएगा जाएगा, कोई भी आपका फ्रूट ले लेगा, ऐसा नहीं है। पुतन जी आप यहाँ पे आराम से रह सकती हैं। हाँ लेकिन मुझे तो किसी पर ट्रस्ट नहीं है ना, मुझे तो नजर रखना पड़ेगा। अब ये जिद करके बैठी है कि मंजे डालने हाँ अब डालने मैं किचन के हैं, सामने मंजे डाल के बैठी रहूंगी दिन रात। ये मंजे डाल देती है हर जगह पे और ऐसे कर रही है। देखिए पूरा हमारा रास्ता ब्लॉक करके बैठी है। खुशखबरी आई है, खुशखबरी आई है, खुशखबरी, 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 खुशखबरी। दीदू दीदू दिखाले, दीदू दीदू कौन? खाना खा लेना दीदू, अच्छा टाइम पे खाना दीदू, जल्दी कुछ मत बताना दीदू ना, नजर लग जाती है ये दीदू। कौन बोला? तुम कौन? मैं चिल्लम चाट दीदू, मेरा नाम ले लेना अपने अलग अगले ब्लॉग में। चल भाग यहाँ से, आ जाते हैं शादी के अगले दिन से ही आ जाते हैं कि दीदू अब दीदू अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, खुशखबरी है, खुशखबरी है। खुशखबरी का मतलब एक ही चीज होता है क्या? तुम्हारे घर में बस एक ही खुशखबरी आती है क्या? चिलम चाट। चल जाए यहां से, मैं बताती हूँ क्या खुशखबरी है। फ्रूट लेके घूमने का मतलब कुछ भी तुम लोग गेस करते हो। चलो आज नया फ्रूट आया है, बैठ जाओ पहले मंजे पे। अब तो उठा बैठा भी नहीं जाता, वेट काफी बढ़ गया है। नन्नू जी नया मंजा ले आई है, बहुत छोटा मंजा है। नन्नू जी ये देखिए खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है नन्नू जी, ये खुशखबरी नहीं है, अच्छा खुशखबरी ये है नन्नू जी, ये बात ये है ना कि आज ठीक 2 बजे मुझे मेल आया खटाक से। अरे हाँ मेल आया खटाक से ठीक 2 बजे। पर पति तो मैं हूं, मुझे मेल क्यों नहीं आया? अब आपको नहीं आया, फोन मेरा है तो मुझे मेल आया अच्छा ना, मेरे फोन में मेल आया और हाँ ताला खुल गया फटाक से। हाँ देखिए इसमें का ताला खुल गया फटाक से, सही, मुझे दे दीजिए। अब जैसे मुझे ताला खुलते हैं पासवर्ड, वैसे खटाक ऐसे खुल गया इसमें का ताला। मुझे पासपोर्ट पासवर्ड दे दीजिए अपना। चुप रहिए, आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा। पुत्तन जी मुझसे क्या पर्दा? पर्दा होता है, पति और पति पत्नी में भी पर्दा रहता है थोड़ा सा। आप अपना फोन रखिए, हम अपना फोन रखेंगे, ये मेरा पर्सनल है। पुत्तन जी मेरा तो आप चैनल का पासवर्ड तक याद करके वो बैठी हैं, पत्नी का हक होता है। पति का कोई हक नहीं? नहीं ये मेरा पर्सनल, आप इसको नहीं छू सकते हैं। हाँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुशखबरी ये है कि इसमें मेरा पासवर्ड मिल गया है, खुल गया है, अब मैं इसमें सब कुछ कर सकती हूँ वापस। हाँ लेकिन नन्नू जी ये देखिए इसमें मेरे कांटेक्ट भी वापस आ गए हैं और 2-4 फोटो भी मेरी पुरानी वापस आ गई है, डेटा डिलीट नहीं हुआ नन्नू जी। पुतन जी जब भी तो मैं कहता हूँ कि मुझे दे दीजिए आप ये आईफोन, आपको पता कुछ है नहीं, 5 GB का स्पेस मिलता है फ्री का, तो फोटो तो आ ही जाएंगी, कॉन्टेक्ट भी आ ही जाएंगी, कैसी आप बुड़बक जैसी बातें करते रहते, मुझे दे दीजिए, आप ले लीजिए वो जो मैंने आपको दिलाया है वही वाला। नहीं नहीं आप अपना जो आपको मिले हो टीपो का वही यूज कीजिए, आईफोन तो मैं ही यूज करूंगी। आप क्या बोल रहे थे 5 GB? क्लाउड में डेटा मिलता है अच्छा फ्री में। अच्छा हाँ मैंने पढ़ा तो था आईफोन में कुछ क्लाउड क्लाउड होता है, अब तो रहने हमें लगा दो, कि क्लाउड मतलब आईफोन में क्लाउड कहाँ से आएगा, तो मुझे वो लगता था, लेकिन अभी देखा कि क्लाउड में मेरा डेटा सेव था तो वापस आ गया, कुछ भी डेटा नहीं गया, ये तो आईफोन की खास बात है नन्नू जी। नन्नू जी जो हाँ हमारे ये घर के बगल में जमीन खाली पड़ी है, आप उसमें ऑर्गेनिक खेती क्यों नहीं कर लेते नन्नू जी? आपके तो वहां चाचा जी आके करवा देते, यहाँ कौन करवाएगा, मैं अकेले कैसे करूं? बत्ती, ये बत्ती की बात कर रहे हैं, बत्ती के यहाँ तो जब जरूरत पड़े चाचा जी आके काम कर देते, चाची जी आके काम कर देती है, हमारे यहाँ तो आप नहीं काम करेंगे, आप तो बहुत फुर्तीले हैं, आप बहुत वो एक्सरसाइज करते हैं, जो जो योगा करते हैं योगा, तो वो फावड़ा लेकर पूरा खेत नहीं साफ कर सकते आप? एक्सरसाइज भी अच्छा हो जाएगा। मैन पावर लगा के कर दूंगा, बत्ती बड़ा आ रहा है, बत्ती तो आजकल दिया के साथ बिजी हो रखा है बिल्कुल ही। हाँ बत्ती आजकल दिख नहीं रहा है, 10-10 दिन गायब रहता है बत्ती। अरे उसका कोर्ट शिप चल रहा है, कहाँ उसको याद रहेंगे जीजा, कहाँ उसको याद रहेंगी। गाइस
तो मैंने खाना बना लिया है। मम्मी जी सुबह से दोपहर से बोल रही है कि पुत्तन जल्दी से खाना बना दे, जल्दी से खाना बना दे, जल्दी से खाना बना दे। नन्नू भी पीछे पड़ता है, जल्दी से खाना बना दे, छलिया गर्म कर दे। तो गाइज ये देखिए मैंने छलियाँ भी भून दी है। मैंने 3 छलियाँ भूनी थी, एक नन्नू जी को दी, एक मम्मी जी को दी और एक मैं खा रही हूँ। तो नन्नू और मम्मी जी पता नहीं छलियाँ क्यों नहीं खाई, फेंक दिया। लेकिन मुझे तो ऐसी छलियाँ बहुत प्यारी लगती है और मैं बहुत पसंद करती हूँ छलियाँ। दीदी को बहुत पसंद है और इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये छली, कि ऐसी छलियाँ देख करके आपको छलियाँ खाने का मन हट जाए और दोबारा कभी छली ना खाएं। और गाइस और ये छलियाँ बनाने के ना मैं आपको रेसिपी दूंगी, बहुत आसान रेसिपी है। आपको गैस ऑन कीजिए, छली उस पर रखिए, फुल फ्लेम कर दीजिए। इससे क्या होगा कि धुआं उठेगा, पूरे घर में भर जाएगा और छलियाँ इस तरह की हो जाएंगी। तो बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है, एक बार खा के देखिएगा, एकदम यामी। ये देखो सासू माँ बच के भाग रही थी। हाँ कैमरे के फ्रेम में नहीं आना, उनको मेरे साथ नहीं बैठना है। मैं भी बहुत चालू हूँ, मैं थंबनेल डालूंगी और लिखूंगा टाइटल, ससुराल में की मैंने सेवा, सासू को खिलाया मैंने मेवा। देखो मेरे पुत्र को कम समझते हैं लोग। गाइस ये देखिए क्या आया, शादी का कार्ड। मेरी एक रिलेटिव का ना शादी है अक्टूबर में, तो उन्होंने कार्ड दिया है। ये कार्ड शायद दीदू को भी गया होगा, दीदू भी आएगी शादी में, दीदू कोई शादी मिस नहीं करती है, तो दीदू भी आएगी, हम लोग मज़े करेंगे। और हाँ ये देखिए कार्ड कितना बड़ा प्यारा सा है ना, रेड कलर का। मुझे ना शादी का कार्ड बहुत प्यारा लगता है। तो हाँ कार्ड से याद आया, हमारी शादी का ना कार्ड नहीं छपा था, मेरी शादी में कार्ड नहीं छपा था। नन्नू जी की भी शायद कार्ड नहीं छपा था, नन्नू जी आप पूछ लीजिएगा, नन्नू जी के पास अगर कार्ड होगा तो वो दिखा देंगे, लेकिन मेरी शादी का कार्ड नहीं छपा था। और देखिए और मैं क्या ले आई कल मार्केट से, ये देखिए ये मैं ले आई क्लचर और रबड़ बैंड। तो मेरा ना क्लचर और रबड़ बैंड था ही नहीं, तो मैं जब मैं हिमाचल से मायके से लेकर आ रही थी, तो मम्मी जी बोली ना पुत्तन ये तो डोरी होता है, इसको यहीं पे छोड़ दे, तू अपना ले लेना। तो कल मैं गई मार्केट से और लेकर आई। तो हम ना डिनर करके ये छत पे टहलने आए हैं। छत पे चार टहलने आए हम लोग, और माता जी भी टहल रही हैं, कहीं दिखेंगे नहीं पर टहल रही वो टहल हैं। रही है अपने छत वो पे। बहू रानी के अपने वीडियो देख रही है। और हाँ मैं बता दूँ मुझे बहुत ठंड चलिए लगती मंजे है, पे बैठ के बात करेंगे। हा ये हमारा मंजा। तो मैं बता दूँ हमें मुझे बहुत ठंड लगती है। हा तो मैंने ना नन्नू जी की जैकेट पहन ली है, मैं तो अपनी जैकेट लाई नहीं, वो तो डोरी होती है ना। वो भी माता जी ने मना, इनकी मम्मी जी ने मना कर दिया कि ना हम डोरी ना दें, तो ये मेरी जैकेट लेके हाँ बैठी नन्नू हैं। जी ऐसे ही। मैं ऐसी, मेरे को ना पुतन जी मैं बता दूं, मुझे ना ठंड नहीं लगती। मैं दिसंबर तक मैं एक ही टी शर्ट डाल के रखता हूँ बस। नन्नू जी दिसंबर इतने में बड़े जाके मैं कुछ, स्ट्रांग हैं। हाँ तो मैं जोगा करता हूँ है ना, कपाल भाती करता हूँ, मैं एकदम गर्म आदमी हूँ अरे वाह, वैसे आप है। दिमाग का ठंडा है लेकिन शरीर से एकदम गर्म है नैनो जी। हाँ एकदम गर्म। हाँ अरे थोड़ी सी ठंड लग रही है पुतन जी, जरा कुछ दे दो उड़ने के ठंड लग रही लिए। है आपको। अच्छा ये ले लीजिए, मेरा वो दुपट्टा ले लीजिए, ओढ़ लीजिए उड़ा दीजिए। ओढ़ लीजिए। हुआ। देखिए नन्नू जी कितना फेंकते हैं ना, अभी बोल रहे थे कि दिसंबर में एक हल्का सा ये स्वेटर डाल के रहते हैं, लेकिन अभी अक्टूबर महीने में ही ये इनको ठंड लग गई। पुतन मतलब 2 मिनट भी ये रोक ना पाए अपने कैमरे के सामने, कि 2 मिनट रुक जाए कैमरे पे। जी मैं आपको इम्प्रेस कर रहा था ना। तो ऐसे इम्प्रेशन का क्या फायदा कि व्यूअर्स भी आपके डिप्रेस होके चले गए। कुत्ता चले चले परछाई में कुत्ता बिल्ली बना के आते बिल्ली हैं। बनाए, चलिए मैं भी सांप बनाती हूँ। ये देखिए रनु जी ये बताइए क्या है। ये तो खरगोश सा है, मैं हूँ ये तो। हाँ नन्नू जी आप खरगोश, मैं भी मेरी चांस, मेरी चांस। आप भी बनाएंगी? हाँ ओके चल ठीक और रुकिए मैं गेस करती हूँ। अरे तो मोटू हो। कोबरा जीत जाए। और और अब बताइए। ये मोटू कोबरा ने अपनी जीभ बाहर निकाली है, लप 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 लप, ये तो डस रहा है लोगों को जाके। तो यही था हमारा छोटा सा व्लॉग, जिंदगी पुत्तन के साथ एजेंट नन्नू 89 का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमें सुधारने का पूरा मौका दीजिएगा। खूब सारे हमको कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी सुधार करना हमें बताइएगा। और पुत्तन परी कैसी लग रही है मेरे साथ आप जरूर बताइएगा, कौन से कपल एक्टिविटीज हम और कर सकते हैं वो भी बताइएगा। ठीक है।
मेरे ट्यूबर बत्ती दिया बाद में बताऊंगा सरप्राइज। गुट्टू बना लिया हमने, बुद्धू बना लिया तुमको ठेंगा, तुमको ठेंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 2:15 और मैं कर रही हूँ शिफ्टिंग आज। आप लोग तो जानते ही हैं कि मोटू के नाज रख रहे बहुत ज़्यादा हैं और अभी तक मोटू की इनकम है नील। तो ऊपर वाला पोर्शन आपने मेरा देखा ही था, वो वाले एपिसोड में डाला था मैंने। अब मेरे पुराने व्लॉग्स बिल्कुल नहीं देख रहे गाइस, देखिए जाके समुंदर रतन का रहस्य। तो वो उसमें जो मैंने दिखाया ऊपर का पोर्शन, तो वो वाला पोर्शन मैं खाली कर रही हूँ और उसको हम चढ़ाएंगे किराए पे। और शिफ्टिंग मैं लिख दूंगी टाइटल में ताकि आप लोग क्लिक करें और सोचें कि मैं चंडीगढ़ छोड़ के भाग रही हूँ। नहीं, वहीं रहती हूँ मैं अभी भी, बस सामान मैं एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट कर रही हूँ। तो शिफ्टिंग, तो बहुत सारी जब मैंने सामान निकाले तो बहुत सारी मेरे उसमें से यादें भी उखड़ उखड़ के आ गई और दिखा देती हूँ एक करके। ये देखो, एक मुझे कप मिला। तो ये जो कप है इसमें मेरी बहुत सारी कानपुर वाली यादें हैं। सबसे पहली याद तो यह है कि इसको जो लाल रंगा है तो वो बत्ती ने रंगा था अपने हाथों से। और इस पर जो ये बेस्ट वाइफ एवर ये लिखा है ना, ये मोटू ने अपने हाथों से लिखा है। तो क्या हुआ ना, मोटू लिख नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, कह रहे मैं नहीं लिख रहा, झूठी बात, मैं नहीं लिखूंगा। तो ना फिर मैंने पता है क्या किया, उनका हाथ ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे रखा और एक कील पकड़ी और ऐसे हथौड़ा टन्न से मार दिया और दूसरा हाथ में उनको वो दे दिया पेन। तो गाइस उन्होंने ऐसे फिर ये लिख दिया बेस्ट वाइफ एवर। तो ये बहुत यादगार है, बहुत यादगार। इसी में वो जो छिपकली है हमारी कानपुर वाली ना, वो इस पर ही बैठ के आई थी बत्ती। आप लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे जो नए नए लोग जुड़े हैं जिनको मेरे पैंतरे पता नहीं है, तो जो नए नए लोग आए हैं ना गाइस, वो मैं बता दूं कि बत्ती भी जो है यूट्यूबर है और आप लोग बस सर्च कीजिए इंडियन यूट्यूबर बत्ती तो उसका चैनल खुल जाएगा और आप लोग देख सकते हैं। एक और है मेरी रिलेटिव, मतलब मेरी बहन है और वो पुत्तन है। तो पुत्तन का मत सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, पुत्तन का मैं नहीं करती हूँ थोड़ा सा भी प्रमोट, क्योंकि गाइस देखो जो इंडियन यूट्यूबर बत्ती चैनल है उसकी जो सीईओ हूँ वो मैं हूँ और बत्ती उसमें कर्मचारी है, यू मीन एम्प्लॉय है वो। 9% का मालिक है मैं 91% की मालिक हूँ। तो वो वाला चैनल इंडियन यूट्यूबर बत्ती उसको जरूर देखिएगा, पुत्तन का मत देखिएगा। पुत्तन की जिंदगी में झांकने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो ये हुआ कप की बात और बत्ती की बात और मेरे दूसरे चैनल का प्रमोशन। और ये देखिए, ये स्कर्ट है, ये देखिए, और ये छोटी बड़ी है, ये मैंने उसको दी थी पुत्तन को, पुतन के जन्मदिन पे दी थी, ऐसी ले ली थी, मतलब लेना कुछ नहीं था, फिर सामने दिखा तो ले लिया था मैंने। तो जब क्या हुआ कि मैंने उसका पुराना चैनल जो था जियो जिंदगी पुतन संग, तो वो वाला जब चैनल मैंने ले लिया उससे वापस, पहले वो भी मेरी एम्प्लॉय थी, फिर उसने लड़ाई झगड़ा करके अपना चैनल खोल लिया। तो जब वो वाला चैनल जब मैंने वापस लिया तो गुस्से में ना ये वाली स्कर्ट भी मेरे ऊपर फेंक के चली गई थी वो, कि तू ये रख ले ये वाला, तो मैं देखती हूँ अगर मुझे आ जाएगी तो मैं पहन लूँ। और मैं क्या बताऊं गाइस, ये देखिए मैंने कुर्ता पहना है, ये वाला, ये ट्रेजेडी वाला कुर्ता है। तो ये कुर्ता मैं बार बार पहनती हूँ, पता नहीं किसको मुझे क्या प्रूव करना है, पता नहीं प्रूव होगा भी कि नहीं, क्योंकि जिनको मैं प्रूव करने के लिए बार बार पहन ले रही हूँ ना, वो लोग तो मानने वाले है नहीं, उनको सब पता है कि क्यों पहन रही हूँ। लेकिन जो नए नए चिलम चाट हैं या पुराने चिलम चाट हैं उनको शायद यकीन हो जाए और फिर वो मेरे फिर से मुझसे सवाल जवाब करना बंद कर दे। तो इसलिए मैं ये अब बार बार पहना करूँगी, आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा।
और चलिए अभी बता दूं मोटू क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मोटू नहीं नजर आ रहे आजकल, मोटू नहीं नजर आ रहे कि मोटू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाहर पानी भर रहे हैं, बहुत पानी पानी कर रखा है उन्होंने। मतलब हमको अंदर कमरे में बंद कर दिया, बोल रहे कि तुम अंदर बैठो, और खुद बाहर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उनको ना दस्त लगे हुए हैं, तो वो ना एक्सपेरिमेंट इस बात में कर रहे हैं कि वो ये देखेंगे कि डायरेक्ट पाइप से धोते हैं कि हाथ से धोने से ज़्यादा साफ़ होता है कि ब्रश रगड़ के धोने से ज़्यादा साफ़ होता है। तो मोटू वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम लोगों को अंदर बंद कर दिया है, बोल रहे तुम बाहर मत आना, और जाना भी कौन चाहता है। तो ये सब बातें थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपसे अपने दिल की बात करती हूँ गाइज। चलिए फिर चलती हूँ किचन में। आजकल सारी की सारी डीप क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, सारा कुछ मैंने अपना घर खुद ही संभाल लिया है, और आपको मेरे अब नॉर्मल वाले अच्छे वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और अब आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि अब मेरी चाह पीने की चाहत जो है जाग उठी है फिर से। तो चाह बना रही हूँ मैं, और मैं बार बार आपको चाह बना के दिखाती रहूँगी, आप लोग चाह देखिएगा। और बाकी का जो टाइम बचेगा चाह के अलावा, तो वो सब मैं शिफ्टिंग और मेकओवर में कर लूँगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अब मैं फिर से लाऊंगी मेकओवर आइडियाज़। आप जानते हैं फेस्टिव सीज़न आ रहा है, तो ढेर सारी हम लोग शॉपिंग करेंगे साथ में, और ढेर सारा हम लोग मेकओवर करेंगे। बताती हूँ एक बहुत ही अलग सी चीज़ हो रही है मेरे साथ, मुझे अजवाइन खाने का बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रहा है। मैं अजवाइन खाती हूँ, मतलब जब भी खाना खा लेती हूँ मैं अजवाइन खा लेती हूँ, और उसे क्या होता है कि कब्ज नहीं होता है और लूज मोशन भी नहीं होता है, अच्छा है अजवाइन। क्रेविंग होती है, मतलब ऐसा जैसे लोगों को क्रेविंग होती है कुछ मीठा खा लो, कुछ खट्टा खा लो, मुझे अजवाइन खाने की क्रेविंग होती है। थोड़ा सा अजवाइन सबसे पहले मैं खाऊँगी, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मेकओवर करूँगी, और फिर मिलते हो थोड़ी देर में। मेरा जो लास्ट वेट था वो था 65 kgs, और मेरा जो मैं बता दूं मेरा जो वजन लास्ट चेक हुआ था वो मेरा, ये ध्यान देने वाली बात है, तो मेरा जो वजन चेक हुआ था वो लास्ट हुआ था जब पुत्तन की शादी हुई थी ना, पुत्तन परी की शादी हुई थी, जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उस दिन मैंने चेक किया था 65 kgs, वो भी मैंने खुद ही चेक किया था। और उसके बाद फिर मैं जब यहाँ आई, उसके बाद मैं कितनी बार वहाँ पे भी गई थी, देखो कार्ड बनवाने गई थी, और फिर मैं 50s 60s में तो कितनी बार चली गई, वहाँ पे भी उन्होंने मेरा वजन चेक नहीं किया। बताओ लास्ट जो मेरा वजन चेक हुआ था, मैं अपने आप अपने मुंह से बोल रही हूँ, वो पुत्तन की शादी के टाइम पे चेक हुआ था। तो मैं आप सबसे ये बोल रही हूँ, आपसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरे लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं, मतलब कितनी लापरवाही। मतलब कोई डिस्पेंसरी में भी जाता है ना तो उसका भी चेक हो जाता है वजन, मेरा 50s 60s वालों ने भी वजन एक बार भी चेक नहीं किया। चलो फिर जाने दो, वो वाली बात तो क्या ही बोलूँ मैं। मुझे शिकायत अपने चिलम चाटों से है, मैंने उनको खुला आशीर्वाद दिया, मैंने उनको खुली छूट दी कि मेरा फोटो यूज़ करो, मेरा नाम यूज़ करके तुम मेरे सपोर्ट में वीडियोस बना लो। उनमें से किसी ने मेरे सपोर्ट में वीडियो, एक दो ने बनाई, उसका कोई हल्ला नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जो 3-4 बाकी गए थे उन्होंने बनाई, तो वो बोलने लगे कि हमको शाउट आउट पहले दो, फिर हम आपका जो है रिलीज़ करेंगे। तो चिलम चाट भी किसी काम के हैं नहीं, हैं तो मेरे पास लेकिन अच्छी क्वालिटी के हैं नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने लाइव करे 3-4, और उसमें जो मेरा जितना अंदर का जितने भी जहर था, मोटू कोबरा का जितना भी जहर था, मैंने सब उगल दिया है, और अब मुझे थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है। तो मैं अच्छे से छोटे से प्यारे से नन्हे से ब्लॉग्स बनाया करूँगी। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, देखिए डोसे की दुकान, डोसा खाना है मैंने।
जा खा पागल, डोसा क्यों खाई? अरे मोटो देखो, खुशखबरी आई है। हैं? अरे पुतन वाली नहीं, आपके कानपुर से आई है। मेरी जो सहेली है उसने बताया है कि आपको बेस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। बेस्ट भी आउटस्टैंडिंग भी? बेस्ट भी और आउटस्टैंडिंग भी, बताओ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना मोटू, बेस्ट भी हो जाए आउटस्टैंडिंग भी हो जाए। चेक करता। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही खुशी की बात है कि मोटू कोपरा को बेस्ट आउटस्टैंडिंग का अवार्ड मिला है। और इसकी खबर इनको किसी ने भेजी नहीं है, मेरे को मेरी वो तो भलाओ मेरी सहेली नहीं है, वो तो भलाओ मेरी सहेली का, इसने मुझे बता दिया, नहीं तो पता ही नहीं चलता हम लोगों को। मोटू आज तो देखो चाट पकौड़ा बनता है। चाट पकौड़ा? हाँ, चाट पकौड़ा। मिठाई खाता है कि चाट पकौड़ा खाता है? चाट पकौड़ा। और मोटू साहब चुप रहो। तो मोटू को इसलिए मिला है कि तीन कुल लोग थे इनके डिपार्टमेंट में, तीन लोग थे, उसमें से दो गाइड थे और एक मोटू थे। तो मोटू सबसे जूनियर थे, स्टूडेंट यही थे, तो दोनों गाइड ने मिलकर उनको दे दिया बेस्ट आउटस्टैंडिंग का। मोटू जीत गए मेरे, और इतना टाइम लगाया मोटू ने, लेकिन बेस्ट आउटस्टैंडिंग का काम किया है। और इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है वैसे। कीप इट अप मोटू, कीप इट अप। चलो अब जल्दी से डोसा खिला दो मेरे को। हट पागल। पोहे खिला दो। क्या तू खा? मैगी खिला दो। चल मैं भी खाऊंगा। गुड नाइट गाइस। सुबह के बज रहे हैं 4 और बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ रहा होगा, गुट्टू बना लिया मैंने, बैकग्राउंड देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अपने घर में तो है नहीं। तो मैं बता दूं, मैं आई हुई हूँ शिमला, मैं आई हुई हूँ शिमला। और एक्चुअली क्या हो रहा था कि बत्ती को दिया मिल गई है और वो लोग अपना घूमने आ रहे थे, और आप जानते ही हैं कि वीकेंड पे फिर मम्मी भी आ जाती हैं, मेरी वाली मम्मी जी, तो वो आ जाती हैं। और फिर वो बत्ती जा रहा था, कह रहा मैं शिमला जा रहा हूँ घूमने दिया के साथ। तो फिर मोटू ने बोला चल हम भी चलते हैं। फिर मेरी मम्मी जी हैं, वो उनको वीकेंड का बहुत शौक है, तो वो बोले कि मैं क्या करूँ यहाँ रह के, मैं भी जाऊँगी। फिर क्या हुआ कि फिर मोटू की मम्मी जी को हम अकेला छोड़ नहीं सकते, वो भी काम खराब करती हैं। तो फिर हम सभी लोग आ गए यहाँ पे घूमने, और हम लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। लेकिन क्या हुआ कि कुछ सब्सक्राइबर ने देख लिया मेरे को, और दौड़ के जाके प्रेमिनोलॉजी चैनल पर उन्होंने लिख दिया कि इनका घूम रही है, इनका घूम रही है, शिमला घूम रही है। अब मेरे चैनल पर नहीं लिखा, वहाँ जाके लिख दिया। मेरे पे लिखते तो कोई बात भी थी, मतलब मैं जल्दी से उसको डिलीट कर देती, पर उन्होंने वहाँ जाके लिख दिया। और वो तो भला हुआ मेरा कि मैं ना कमेंट सुन के चेक करते रहती हूँ सारे, टाइम टू टाइम मैंने पढ़ लिया, अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया। तो अब मुझे ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये मुझे ज़बरदस्ती का डालना पड़ेगा कि मैं सामने से बता रही हूँ कि भाई मैं शिमला में थी, ज़्यादा कुछ दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है किसी को, मैं यहाँ पे हूँ शिमला में हूँ। अब मैं वापस जाके सबको बता दूँगी कि मैं सबको अपने अपने घर भेज रही हूँ, और अब मैं जो हूँ मेकओवर का काम अपना खुद करूँगी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेकओवर करना है, चाह बनानी, सब कुछ करना है मेरे को। तो चलिए, यही था मेरा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक एक ही बार दबाना, दो बार दबाएंगे तो लाइक चला जाता है, एक ही बार लाइक दबा देना। और चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।